नमस्ते, जय श्री राम। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि भगवान ने ये सिखा के गया है कि क्षमा ही धर्म है, गीता में भी लिखा गया है क्षमा ही धर्म है, पर आप लोग भगवान का बात तो बोल देते हो, भगवान के नाम पे ये सारे बात तो चला देते हो, पर आप भगवान का लाइफस्टाइल अगर देख लेते, भगवान क्या क्या करके गए हैं ये अगर देख लेते, तो आपकी जिंदगी में ये सारे प्रॉब्लम्स और ये सारे बकवास की बात नहीं लाना पड़ता। देखना कि भगवान भी एक लिमिटेशन तक की हर एक मामला क्षमा कर देते हैं। आप शिशुपाल को देखो, कंस को देखो, हर एक जो भी रावण को देखो, हर कोई अगर औकात की बाहर जाके काम किए हैं, फालतू का बकवास किए हैं, आप अगर देखोगे कि वो लोग पाप किए हो, पाप कर रहे होंगे या फिर लिमिट से बाहर जा रहा था, तो वो क्षमादान नहीं दिया था। शिशुपाल का भी 100 अपराध तक ही क्षमा किए थे। तो हम लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि कोई किसी का जिंदगी को खराब कर दिया, मानो कि कोई औरत को किसी ने रेप करके फेंक के चला गया, पर हम लोग अगर उसके सामने जाके बोले कि भाई तुम उसे क्षमा कर दो, क्षमा ही तो धर्म है, जीवन में क्या है, ऐसे नौटंकी वाला बात कर सकते। पर ये चीज पहला बात तो आपके साथ अगर होता, कोई औरत होकर बोलते, तो आप अगर आप उनको डायरेक्टली बोल सकते हो कि आपके साथ अगर ऐसा होता तो आप कर सकते थे, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, ऐसा करके घुमाते जाएगा। तो जब भी वो बात को घुमाते जाएगा ना, तो आप उनको बोलो कि आप हाँ या ना में जवाब दिया करो। कोई भी चीज का अगर आप परफेक्ट आंसर नहीं पाते हो, तो आप उनको फोर्स करो कि परफेक्ट आंसर दो मुझे। जब तक वो परफेक्ट आंसर ना दे, तब तक आपको पता चल जाना चाहिए कि वो एक दोगला इंसान है, और दोगले इंसान कभी भी आपको सही रास्ता दिखाएगा नहीं, क्योंकि दोगला ये नहीं ऐसे फॉलो नहीं करते, वो ऐसे फॉलो करते हैं, आपको ड्वेल जगह पे फेंक देगा, डाउट में पड़ जाओगे। ऐसे लोगों से पहले तो बच के रहो। दूसरा, ऐसा लोग अगर आप पे भारी हो रहा है, तो अगर आप उनको फोर्सफुली हटा सकते हो तो हटाओ, थप्पड़ मार के रैप मार के हटा सकते हो तो सब हटा दो। अगर ऐसा ना कर सकते हो, तो आप उनको बुरा भला कर बोल के उसे पहले ही जिंदगी से निकालो, नहीं तो वो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा, क्योंकि ड्वेल चीजों का जो कारकत्व है वो बुध के पास है, शुक्र के पास है और राहु के पास है, तो राहु का अगर जो नेगेटिव इफेक्ट देखोगे कि ऐसे आपके आसपास ये ड्वेल बात करने वाले ज्यादा लोग हो जाते हैं, तो ड्वेल बात को हटाने के लिए सिंगल बात है ना, कि अगर बमंडल इस साइड पे आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, तो आप उस बमंडल को रोकने के लिए क्या करोगे, जैसे हनुमान जी ने क्या कहे थे, उल्टे साइड में घुमा दिए थे, बमंडल को रोक दिए थे। ऐसे अगर आप करते जाओगे नेक्स्ट, तो ऐसे अगर आप नहीं करोगे, तो समाज में क्या होगा कि आज अगर आपके साथ कोई अन्याय हुआ है, मानो वो रेप का बात छोड़ दो, आपको अगर आप अगर मानो कि एक मिनिस्टर बन सकते थे, आपकी औकात में अगर ऐसा था, मानो छोड़ो मिनिस्टर छोड़ो, आप अगर मानो कि कोई अच्छा कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर सकते थे, आपको वो बनने नहीं दिया गया, क्योंकि मानो कि कोई औरत को काम नहीं करने दिया गया कि वो अगर बाहर जाएगी तो किन किन के साथ मिलेगी, ऐसे ऐसी बहुत सारे बातें बोलते जाएगा, तो होगा क्या, उसका तो पहले काम खराब हो गया, भगवान ने उसको तो जो काम करने के लिए भेजे थे वो काम पहले वो कर नहीं पाया, आगे जाके उसका फाइनेंशियल स्टेटस खराब हो गया, उसके ऊपर सारे के सारे लोग डोमिनेट करते जाएगा, तो उसका तो इंडिपेंडेंस तो खत्म हो गया ना। कोई भी इंसान अगर इंडिपेंडेंट नहीं रह पाते है, तो उसको डिप्रेशन में ज्यादा देखा जाता है। कुछ परसेंटेज काफी हद तक इंसान ऐसा भी होते हैं कि लात खाने के लिए बहुत इच्छुक होते हैं कि सारा जिंदगी में लात खा के निकाल दूंगा, मैं इनके ऊपर एकदम क्या कहते हैं समर्पित हूँ, है ना। समर्पण भगवान को तो वो लोग करते नहीं, क्योंकि उन लोगों का इतना अच्छा ईगो, उन लोगों की जो परंपरा प्रतिष्ठा, जो नौटंकी वाला वो असल में जो बोलेगा ना आपको, ये परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन है, वो अलग में वो जान लो कि उसका उल्टा ही परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन है। अगर परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन अगर ऐसा हो जाता, तो शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा उसको देखना कि पहले आके खत्म कर देता है। क्यों खत्म कर देता है, तुमने काम क्यों नहीं किए, शनिदेव का मेन क्वेश्चन है कि आपने काम राइट टाइम पे क्यों नहीं किए। फोर्थ हाउस में अगर शनिदेव आते हैं तो डिसिप्लिन का जगह होता है फोर्थ हाउस, अगर डिसिप्लिन पे आप नहीं चलते हो तो शनिदेव आके आपको सीधा कर देते हैं। नेक्स्ट आता है कि आपका भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे थे कि भाई मैं जो काम करूंगा आम जनता वही काम को फॉलो करेगा,
है ना, हे भारत करके बार बार बोल रहे थे। तो भारत करके अर्जुन को बोल रहे थे, और हम लोगों को ये ज्ञान मिलते जब जाते हैं, तब हम लोग एक होता है ना कि एनलाइटमेंट हो जाता है, कि अंधकार में जी रहे थे, बहुत कष्ट में थे, पर आज भगवान का स्वर्ण में जब जाओगे तो भगवान क्या करेगा, भगवान आपको बोलेगा कि भाई ये तो तुम्हारा रास्ता था नहीं, तुम इस रास्ते पे चलो, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, भला हो जाएगा। जब तुम करते रहते हो तब जाके भला हो जाते हो, तब जाके तुम भगवान पे समर्पित हो जाते हो। पर जब आप भगवान को फूल दे रहे हो और मान रहे हो कोई अपने जो आसपास की लोग है ना, इतना रिलेशन भगवान ने नहीं बना के गए है, गीता में क्या बोल के गए है कि ये सारे रिलेशनशिप आपके आसपास तो रहेगा, पर आप ये रिलेशनशिप से पहले ही दूर हो जाओ। कैसे दूर हो जाओगे, एनलाइटमेंट, ये सब आत्मा है, हम भी आत्मा है, आत्मा हूँ, इनका जो अधिकार है हमारा भी उतना अधिकार है। अगर आप कानूनी तौर से देखोगे उतना भी अधिकार दिया गया है, आप अगर समाज के धर्म से देखोगे वो आपको पाने नहीं देगा, और अगर आप भगवान के धर्म से देखोगे तो कानून के धर्म से मैच कर जाता है कि उनका भी जितना अधिकार है हमारा भी उतना अधिकार है, हम दोनों को एक साथ ही एक रास्ते पे ही चलना है। वो अगर चाहते हैं तो डाल खाए, हम अगर चाहते हैं तो डाल ना खाए, मान लो ये एक एग्जांपल था। तो हमारा इच्छा, हमारा जो टारगेट है, हम भगवान के साथ मिल चुके हैं, हम भगवान को जानते हैं, भगवान हमें जो काम देते हैं हम वही काम करते हैं। चाणक्य जी का भी इन सारे मामलों में जो बात है मैंने रील्स में बोला है कि एक राजा वही बन सकते हैं जो सुनता सबका है पर करता खुद का है ना। अगर आपका खुद का सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मामला ही कुछ नहीं है, आप अगर एक बिगड़े हुए इंसान हो, है ना, हम लोगों को बिगाड़ते कौन है आसपास, सीधा कौन करते है, खुद। अब बोलोगे कि ये खुद कैसे हो गया, अभी तक तो भगवान था, भगवान ही करते हैं। भगवान अगर आप अगर मानते हो कि भगवान मेरे अंदर बैठे हैं, भगवान मेरे को रास्ता दिखाते जाएंगे, तो भगवान आपको ऑटोमेटिक रास्ता दिखाते जाएगा, आपको इन सारे मामलों में कोई टेंशन नहीं लेने का। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको आसपास के लोगों का बात को पहले ही नकारते जाना है। पर अगर आप देखना कि भगवान आपको बोल रहे हैं कि आसपास के लोग जो बोल रहे हैं, कभी कभार लगेगा कि भगवान भी वैसा ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। भगवान के साथ मिलने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, और मेडिटेशन को लेके मैंने बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, आप वो देख सकते हो। बाकी आता है कि ये जो स्वार्थी लोग आपके आसपास रहेगा उनको भी हटाने का रास्ता मैंने बोल दिया, वो भी आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। फिर भी एक बार और बोल देता हूँ कि स्वार्थी लोगों से पहले दूर रहा करो। जिनका हाई डिजायर है और करने का औकात है, ये दोनों चीज होना चाहिए, हाई डिजायर है और वो पूरा करने का औकात है, उन लोगों से ज्यादा मिला करो। पहले तो उन लोग तो आप लोगों को उतना प्रायोरिटी नहीं देंगे, क्योंकि आपका अगर उतना इच्छा नहीं होगा जाने का, अगर आप मानो कि राजधानी एक्सप्रेस से की स्पीड से दौड़ना चाहते हो तो आपका खुद का भी औकात उतना होना चाहिए। अगर नहीं है तो बगल में अगर कोई राजधानी एक्सप्रेस जा रहा है तो उतना ही स्पीड का ट्रेन आपको पकड़ना चाहिए, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगा, वो छूट सकता है ना। आप ऐसे करते जाओ, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फॉलो करो, थैंक यू।